सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। त्रिशूलचंद्रायतरे महावृषभवाहिनी
महेश्वरेश्वर प्रेण नारायणि नमस्ते मयूर कुक्कुट महाशक्ति धरे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमस्ते शंख चक्र गदाचारंगीत परमाजुदे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणि नमस्ते चक्र नष्टसुंदर वराहरूपिणी शिवे नारायणि नमस्ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुन्दैत्यान्कृतोद्यमे त्रैलोक्यप्राणसहिते नारायणि नमस्ते किरीटनि महावज्र सहस्रनयनोज्वले वृत्रप्राणहरिचन्द्रे नारायणि नमस्ते शिवदूतीश्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमस्ते दशाकरालभजने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमस्ते लक्ष्मीरजे महाविद्ये शद्ये पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमस्ते मेहे सरस्वती वरे भूतिराब्रविदामधि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतेभ्यः कात्यायनि नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं भद्रकाले नमस्ते हिणस्ते दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यराजगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव अधुरा सृगवसा पङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नतावय रोगान् शेषान्नपहंसि दुष्टा रुष्टातु कामान् सकलानविष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतात्कृतायात्कदनन्त्रयाध्य धर्मान् द्विषां देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुदात्ममूर्ते कृत्वाम्बिकेतत् प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्या ममार्चगरतेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदीव विश्वं रक्षांसि यत्राग्रविशाशनाग यत्रारयोदस्य बलानि यत्र धावानलोयत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोर्वीरे नित्यं यथा सर्वदा धजुनेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमानया च उत्पादपाक
जनिताश्च मोहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीड्य लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणां वरं जनमनसे च त्वं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकार भूत्वत्सेते महासुरो नन्दकोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाथ यच्छामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरोधेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यानिष्यामि व्यप्रचित्तान् सुदानवान् वक्ष्यन्त्या च तानुग्रहं व्यप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमः ततो मां देवताः स्वर्गमर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सदलं रक्तदन्तिकां भूय च चलवाचक्यानावृष्ट्यामणं वदे मुनिभिः संस्कृता भूमौ सम्भविष्यामि जोनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मणे चेतयच्छन्ति मनुजा शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भविष्यामि सुराशाके आविष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्यामहं भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्या महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मा मुनयः सर्वे स्वश्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्पश्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधादानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसञ्चया इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेत विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाधिकेत विशिखाश् चापङ्गुणान्तर्जने विभ्राणां मणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच एवेष्टवेश मां नित्यं श्रोषते यः समाहितः तस्याहं सकलां वादां नाशयिच्छामि सन्देहम् मधुकैलवनाशं च महिषासुरगातनं
केतय छंद येतल्वपदं शम्भन शम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोचन्ति जय जय भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् न तेषां दुःखितं किञ्चित् दुःखितोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टभिजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शब्दानुतो योगा कदाचित् सम्भविष्यते तस्मान् भवेदन्नात्मं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेणमेतत् उपसर्गान् चेशान्तो महामारे समुद्धवान् तदाप्तिभिलभत्वात्मात्म्यं शमयन् मम यत्र तत्पत्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदानां तद्विमोक्षामि सा नित्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चायं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते राजवार्षिके तस्यामेतन्महात्मन् श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विदर्भक्तो धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्महात्म्यं सदा च त्वत्यः शिवा पराक्रमं च यद्वेषो जायते निर्वयः पुमान् रिपवासंशयजान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमात्म्यमशृण्वतां शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडादृशोग्रादो माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः च मर्यन्ति ग्रहपीडा च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवर्दिष्टं स्वस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घानभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भवभिजातानां पतनादेवनाशनं सर्वमवेदन्नाप्यं मम सन्निधिकारकम् भजोपुष्पाजोपे च गन्धलेपे सदोत्तमे विप्राणा भोजने रोगे प्रोक्षणीयम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेण प्रीतिर्मे क्रियते चाग्नचक्रे स्वचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदा भोग्यं रक्षते रक्षां करोति भक्तेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे चरितं जन्मे दुष्टदत्या निर्वहण तस्मै सुदेवलिखितं वयं पुंसा न जायते युष्मामि सुदराजा च जाच ब्रह्मशिवे कृता ब्रह्मणा च कृतास्तत्र प्रयच्छन्ति शुभामति अरण्ये प्रान्तरे वापि धावामि परिवारितः दशवेदावृता शून्य गृहीतोपि शत्रवे सिंहव्याघ्राणु यातो वा वने वनहस्तवे राज्ञाकृत्येण जाग्यप्तो भज्यो बन्धगतोऽपि वा आघूणितो वा भावेन स्थितः पोते महानवे पदजोचापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्यर्थितोऽपि वा समन्मने तच्चरितं नरो मुच्येत सङ्गरात् मम प्रभावा सिंहाद्य दस्य वो वैरणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरत्तच्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जता पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनेतार्य दैत्याचरेभ्यो नियते शुम्भे देवर्यो यदि यगविद्वंसमि तस्मिन्नग्रे तुलविक्रमे विशुम्भे महावीर्य शेषः पातालमायय एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालन तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सौजाचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयश्यति व्याप्तं तत्सकलं ब्रह्म धर्मणजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्यया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने बलकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाग्रे सेवा भवे तदा लक्ष्मीर्विनाशाय उपजायते सुदासम्भोजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तदा ददातिभित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं च वा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिरोवाच शिणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत् नाकवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं नारहस्यकम् न दुःखं नापि ज्ञानं च नान्यतो न च वाचनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामभिदर्शनं गोपनीयं प्रयत्नेन त्वयो नीरव पार्वती मारणं वाहनं वर्षं सम्पणं चारणादिकं पाठमात्रेण संसृत्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ॐ ग्लौं हौं क्लीं जौं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच ज्वलं सरलं च फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुवर्धने नमः कैटवहारिण्य नमस्ते महिषादने नमस्ते जम्बहन्ते जनिशुम्भासुरगातने जाग्रदये महादेवी जपं सिद्धिं करोष्य मे एकारि सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारि प्रतिपालिका क्लीङ्कारि कामरूपिण्य बीजरूप चामुण्डा चण्डगाप्चण्डगाप्ति च एकारि वरदायने नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धाम् नलयपतने भां मे भों भागदीश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवे शां श्रीं सों मे शुभं गुरु हं हं हंकाररूपिणे जं 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 भराजने ह्रां ह्रीं ह्रों भैरवीवच भवानेते नमो नमः अङ्कं चण्डं तं पञ्चं शं भीं धूं ऐं भीं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोढयत्रोढ जीर्तं कुरु कुरु स्वाहा त्वां भीं भुं पार्वतीपूर्णा त्वां क्रीं क्रों केसरी तदा सां श्रीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं करुष्य मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतव अभक्तेव दातव्यं गोपिदं रक्ष पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवी येनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनायता श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुधारा चुका नमस्ते शरण्य शिवेशानुकंपे नमस्ते जगत व्यापि के विश्वरूपे नमस्ते जगत वंद्य पादारविंदे नमस्ते जगत
Jaya Baba
सरस्वती वंदना Yeah.
ज्योतां वाली माता तेरी सदाई जय। जयकार श्री राम वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदुम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी जयकारा शेरां वाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और जो वर्ष में पूर्ण होती है वर्ण भक्ति, भक्ति में श्रद्धा, विश्वास एवं एकाग्रचित्ति हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझको जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्त जन माता जी के दरबार में श्रद्धा पूर्व लेके आते हैं वे वश में पूर्ण होती हैं। एवं अनन्याश्च चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। और जो भक्त जन अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योगक्षेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण गीता में देश दे रहे हैं। स्वयं माता जी ने भी इन्हीं पद में स्तोत्रों में जिनका आपने श्रवण किया, पाठ किया, अपने महात्म को प्रकट करते हुए कहा हुआ है, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविध उत्पाद महात्म शमेन्मन। माता जी कह रही हैं कि मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्ते तद् पठ्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदाना तद् विमोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र मे स्थितम्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, अर्थात वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। विशेष करके वरी प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सव सर्वमे तत्म उच्चारम शाबमेव। वरिदान पूजा होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे चित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर जानता जानता वा भी बलि पूजा तथा कृतम प्रतिष्ठिच्छाम्य हम पीत्या वर्णि होम तथा कृतम। मनुष्य विधि को जानकर बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि पूजा होम आदि करेगा
उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। विशेष रूप से शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान ममेतन महात्म सुत्ता भक्ति स्वर्णिता सर्वावाधार विदर मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को विधि पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त था धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माता जी के विशेष करके इस अध्याय का कारकम संघात वेद नाम वैत्ति गणम उत्तम बालग्रहों से आक्रांत के बालकों के लिए यह महात्म शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। इसलिए सभी को चाहिए कि वो श्रद्धा पूर्वक माता जी के विशेष करके इस अध्याय का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस निवारण मंत्र के महत्व को पढ़ करते हुए व्यास देव जी श्रीमद देवी भागवत में कथा के रूप में बता रहे हैं कि अयोध्या में सूर्यवंश में अरुण नाम के राजा थे जिनके यहाँ सत्यव्रत नाम के पुत्र हुए, परंतु सत्यव्रत बड़ा स्वेच्छाचारी कामी था। इसलिए उसने एक दिन विवाह मंडप से एक विप्र की भार्या का हरण कर लिया। जब विवाह हो रहा था तभी वहां से उसने ये विघ्न उत्पन्न किया जिससे सभी ब्राह्मणों ने ये शिकायत की राजा से। राजा दुखी हुए और उन्होंने कहा कि तेरा जो सत्यव्रत मैंने नाम रखा ये व्यर्थ हो गया है, इसलिए तू मेरे राज्य से बाहर चला जा। तब जो सत्यव्रत अपना धनुष मान लेके घर से बाहर जाने और पूछ लिया कि पिताजी मैं कहाँ जाऊँ, तो पिताजी ने कहा कि तूने ऐसा काम करके चांडालों जैसा काम किया है, इसलिए चांडालों की नगरी में चला जा। उनके पास वो रहने लगा और धनुष्वान द्वारा जो शिकार करके जो अपना जीवन यापन करने लगा। तभी पिता अपने पुत्र की कल्याण की कामना से वन में तपस्या के लिए चले गए और उधर इंद्र ने इस पाप से 12 वर्ष तक उस राज्य में वर्षा नहीं बरसाई जिससे विश्वामित्र जी सुभिक्ष की कामना के लिए कौशिकी नदी के तट पर तपस्या के लिए चले गए। उधर विश्वामित्री पत्नी जब राज्य में वर्षा नहीं हुई अकाल पड़ गया तो भूख से बिलखते हुए बच्चों को देख करके कष्ट उसको होता था, इसलिए उसने ऐसा मन में विचार करके कि मेरे पुत्र भूख से मृत्यु को प्राप्त न हो उसने अपने मझले पुत्र के गले में कुशा की रस्सी बांधी और वो बाजार में उसको बेचने की चल पड़ी कि इससे जो धन प्राप्त होगा मैं बाकी दो पुत्रों का जीवन यापन करूंगी। उसको जाते हुए वन में रास्ते में जाते हुए सत्यव्रत ने देख लिया और पूछा कि देवी आप कौन हैं और आपने अपने पुत्र के गले में रस्सी क्यों बांधी है। उस विश्वामित्री धर्मपत्नी ने बताया कि ये मेरा पुत्र है और भूख से व्याकल इस समय अन्न नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं इसको बेचूंगी और इसके द्वारा जो धन प्राप्त होगा मैं अपने दो पुत्रों का जो पेट भर उनको भोजन दूंगी। परंतु सत्यव्रत ने कहा कि देवी मैं वन से जो भोज सामग्री होगी वो ला करके आपके आश्रम के निकट वाले वृक्ष के साथ बांध दिया करूंगा और वो आप उसको खा लिया करना। तब उसने अपने पुत्र के गले से रस्सी खोल दी, वो पुत्र गालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ गले में रस्सी डालने के कारण और बड़े महात्मा हुए। इस प्रकार सत्यव्रत वन से भोज सामग्री ला करके पास वाले वृक्ष के साथ बांध दिया था उनके आश्रम के और वो खा करके जो सुखी थे परम प्रसन्न थे। उधर सत्यव्रत किसी कारण वशिष्ठ जी पर क्रोधित थे जो विश्वामित्र जाने के बाद राज्य का कारोबार संभाले हुए थे। राजा भी तपस्या के लिए चले गए थे कि जब मेरे पिता मुझे घर से बाहर निकाले तो विश्वामित्र वशिष्ठ ने रोका नहीं अभी तो उनको प्रेरित किया, वो तो किसी कारण उन पर क्रोधित थे और एक दिन वन में शिकार के लिए गए हुए सत्यव्रत को कोई भी जब कोई मृग नहीं मिला तो उसने विश्वामित्री दुधारू जो गाय का अज्ञानतावश वध कर दिया जिससे वशिष्ठ जी कुपित हुए और उन्होंने कहा कि तूने ऐसा काम करके पिशाचो जैसा काम किया है, इसलिए तू पिशाचत्व को प्राप्त हो जा। अपने पिता के द्वारा घर से बाहर निकालने पर और गौ का वध करने पर विप्रवाय के हरण करने पर तुझे तीन पाप के चिन्ह जो है तेरे मस्तक पर पड़ जाए और त्रिशंकु के नाम से तू विख्यात होगा।
इस प्रकार उसके सिर पर तीन पाप के चिन्ह बढ़ गए। उस समय उसने वहां पर देवी की मुनि द्वारा जो पुत्रों द्वारा देवी की बीज मंत्र लिया और उसकी आराधना करने लगा, तपस्या करने लगा। कई वर्ष बीत गए और फिर उसने पूर्ण जप होने पर ब्राह्मणों से निवेदन किया कि मेरे जप का दशांश आप होम कर दें। इसी निवार मंत्र का नवाक्षर मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप पिशाचत को प्राप्त हो गए हैं, गुरु द्वारा शापित हैं, पिता द्वारा घर से बाहर निकाल दिए गए हैं, गौ का वध करने के कारण आपके मस्तक पर तीन पाप के चिन्ह पड़ गए हैं, इसलिए वेदों पर आपका अधिकार नहीं रहा है, इसलिए हम आपके जप का दशांश होम नहीं कर सकते। उस समय सत्यव्रत मन में विचार करने लगा कि मैं पिशाचत को प्राप्त हो गया हूँ, गुरु ने मुझे श्राप दे दिया है, अब मैं क्या करूँ। तब उसने ऐसा विचार करके लकड़ियों की एक बड़ी वाली चिता तैयार की, उसको प्रज्वलित किया और स्नान करके माताजी का ध्यान करके वो उसमें प्रवेश करने के लिए उद्यत हो गया। माता ने देखा कि मेरा पुत्र मरने को तैयार है, माता सामने आकाश पर उसके सामने खड़ी हो गई और कहा कि सत्यव्रत तू मरने का विचार क्यों कर रहा है, ऐसा विचार करना छोड़ दे, चिता में जलना छोड़ दे और तेरे पिता परसों जो मंत्रियों को भेजेंगे वो आपको ले जाएंगे, आपका अभिषेक करके पिता वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे। तब उसने चिता में जलने का प्रयास करना छोड़ दिया और नारी ने सारा वृतांत अयोध्या में जाकर के पिता अरुण को बता दिया। पिता मन में विचार कर ले कि मेरा पुत्र जो सब और उसे राज्य के योग्य था, मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मंत्री को भेजा, मंत्री उसको घर में ले आए और देखा उसका जरा जूट भर गया था, मलिन वस्त्र थे, निर्बल हो गया था। उस समय पिता ने अपने वक्षस्थल से उसको लगा लिया और विचार किया कि मैंने कैसा निष्ठुर कार्य कर दिया था और उपदेश दिया कि तू सदैव जो ब्राह्मणों का आदर सम्मान करना और जो पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मण है उनको गौ पृथ्वी तथा स्वर्ण देकर के उनका सम्मान करना, क्योंकि जिस प्रकार जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है, इसी प्रकार ब्राह्मण द्वारा जो ब्राह्मणों के जो क्षत्रियों के आधार हैं वो ब्राह्मण हैं, उनको सदैव पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मण का आदर सम्मान करना, न्याय द्वारा धन का उपार्जन करना और सदैव जो है सत्य न्याय करना, ऐसा उपदेश देकर पिताजी ने उसका राज्य अभिषेक किया और वो उसके बाद वन में तपस्या के लिए चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि सत्यव्रत पिशाचत को प्राप्त हो गया था, चेता में जलने का प्रयास कर रहा था, परंतु इस नवारण मंत्र के प्रभाव से महात्म से उसको पुनः राज्य अभिषेक हुआ। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको इस समय चल रहे गुप्त नवरात्रों में माता के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको इन नवरात्रों में अधिक से अधिक इस जाप का मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री देवी भागवत का पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और विशेष करके जो तंत्र साधना में तत्पर हैं उनको दस महाविद्याओं की आराधना भी करनी चाहिए। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती हैं आपको, त्रिशक्ति के वरदान से, शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संबंध कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकधा प्रहलाद जी और साथ में महाराज का वरदहत भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। इसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं रूप में आप अभिमानती हैं, चरण माता चरण हुए हम सब भक्त की बात करें। मैं तेरा घर छड़ना नहीं, मैं तेरा घर छड़ना नहीं, मैं तेरा घर छड़ना नहीं, मैं अपना बना
है कोई नेड़े है कोई दूर मैया कोई नेड़े है कोई दूर मैया
ਤੇਰੇ ਦਰ
दुर्गे मैया मोहे दर्श दिखा
कामेश्वरी हृदि भजामि धितेन्दुलेखा सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज गुप्त नातों में माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धदान् पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः दितेन त्वं तन्नो वर्धयस सत्याः सन्तु जजमानस कामा मन्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव वीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माँ तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ भी आरती है, सही होगी। ओम जय अम्बे गौरी नैया जय श्यामा नैया जय 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 ज
करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी की आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो, जय 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 जय
अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमं सुखम, देही मे परमं सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जहि, यशो देही दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री प्यारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी वर्ग जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय याद करे, तृतीय स्मरा शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पहर तो तक गड़ी, यो चरना दा ध्यान दे Thank you.
खड़गम चक्र गदेशु चाप बलिगा चोलम शुंडिं चरा शंखम दंड दिंगरे सिनायना सर्वांग भूषाभिता नीला शंद दिमास पावन दशका सेवे महाकालिका यामस्तो सोभिते हरो कमलयो हंतम मधुम केतवम अक्षरशुंगदेशुपुलिशम परमंदकुंडिका दंडम शक्तिमग्रं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूरं वाजसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नानना सेवे सेवमर्दनीम महा लक्ष्मीं सरोजस्थिता घंटा शूलहला निशंकमुचले चक्रम धनुसायकम हस्ताभेदरतिङ्गणान्तविलसत् चेताशुतुल्य प्रभा नोरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनु भजे शुम्भादिरत्यादिनी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघ वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यारम्यं वन्दे विष्णुमहोदयं सर्वलोकेशनाथं वसुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदाभोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वदे हरे मुरारे मधुके कुमारे गोविन्द गोपाल मंगलं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तु ते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय पंच पुनारानी माता तेरी सदा ही सर्वत्र सदा भला करने वाली माता तेरी सदा ही सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा गुनाह का माफ करने वाली माता तेरी सदा ही लोंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा ही बोलो सच्चे दरबार की धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो भारत वर्ष भारत हो बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावाली दा आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की।